कैटलॉग के तीन पार्ट है, हम लोगों ने बताया था कि टोटल कैटलॉग के कितने होंगे, तीन पार्ट में हम लोग सीखेंगे, एक पेयर, एक क्लोन और एक न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेयर देखेंगे क्योंकि अपने को पेयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पेयर पे समझने के लिए पेयर को हम लोग समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पे जब भी बोलेंगे मार्केट, मतलब आप समझो आपका लोकल मार्केट नहीं, हम यहाँ पे जेम के मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ लेने का। यहाँ पे मार्केट है, ये जो मार्केट है, हम जब भी मार्केट बोलेंगे तो ये जेम का मार्केट। जेम के मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है हम उसको पेयर करना, पेयर करना मतलब जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी जेम पे डाला हुआ, ऑलरेडी डाला हुआ है, हम उस प्रोडक्ट को भी, मैं भी बेचना चाहता हूँ। जैसे कि कल आप लोगों को अमेजन पे दिखाया था लैपटॉप में, एक ही प्रोडक्ट दो तीन लोग बेच रहे हैं। तो सेम यदि आप कोई भी प्रोडक्ट जेम पे जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है और वही वाला प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आप भी बेचना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस को हम लोग पेयर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एज ए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं, बोलिए किसी का कोई भी प्रोडक्ट बताइए जो मैं यहाँ पे लू। मतलब पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप मुझे देखो इसके रिगार्डिंग कैटेगरी ये बता देते, मेरा कैटेगरी क्या है। तो जैसे पहला वाला देखो इसका यहाँ गार्डिंग वाला, गार्डिंग वाला पहला ही। गार्डनिंग पर्पस है ना, तो ये गार्डनिंग पर्पस के लिए, तो हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी आ गया। इसके बाद आपको Q3 आ जाता है, मतलब ये चार कैटेगरी है इसमें, Q1, Q2, Q3, Q4, जो हम लोग आगे समझेंगे हर एक कैटेगरी का मतलब। फिलहाल आप समझो ये Q3 कैटेगरी से बिलोंग करता है ये कैटेगरी, और हमारा जो कैटेगरी है उसका नाम है पाइप फॉर गार्डनिंग पर्पस, ये कैटेगरी हमारा है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है सबसे पहले उसका आपको कैटेगरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार कैटेगरी मिल गया तो आपको सब प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे लॉगिन होने के बाद डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट यदि आप देखेंगे तो टोटल यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको, टोटल यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 99, 127 और 37, ये टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट जेम के मार्केट में अवेलेबल है इस कैटेगरी के अंदर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 प्रोडक्ट के लगभग इस जेम के मार्केट में, इस कैटेगरी में प्रोडक्ट लोगों ने डाल के रखा। यहां से अपने को ये चीज क्लियर हो चुका। अभी हम लोग यदि आगे के बारे में बात करेंगे, जो पेयर, पेयर का मतलब अभी जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो एग्जांपल समझ लो, या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यही वाला प्रोडक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट का प्राइस, अभी ये जो नाम है ये नाम डाला हुआ है, मतलब इस प्रोडक्ट का ये पूरा डिटेल्स में नाम है, ये इसका ब्रांड है नैपटेप, ये है इस जो प्रोडक्ट है इसका ये ब्रांड है, और ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, ये इसका ऑफर प्राइस है, मतलब वो 85 रुपीज में ऑफर कर रहा है, एमआरपी कितना है 95, ये इसका एमआरपी है। जेम पे रूल है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम 10% के डिस्काउंट के साथ ही बेचना पड़ेगा, एमआरपी से 10% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। प्राइस कैसा है, प्राइस फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का ये प्राइस दिया हुआ है। अभी ये 85 में जो बेच रहा है उसके पास 50,000 स्टॉक्स है, कितना है उसके पास 50,000 स्टॉक्स अवेलेबल है, और वो कम से कम 200 प्रोडक्ट का ऑर्डर में आएगा तो ही वो ऑर्डर बेचेगा, नहीं तो वो ऑर्डर नहीं बेचेगा। ठीक मिनिमम 200, 200 से नीचे का ऑर्डर वो प्लेस नहीं करेगा। सर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से फिर से मैं कर रहा हूँ सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज म्यूट रखिए, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप रेंज हैंड रेज कीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना। तो यहाँ पे इसका मिनिमम क्वांटिटी 200 है, जो अभी अब किसी बायर को मान लो 150 क्वांटिटी चाहिए तो ये प्रोडक्ट उनको नहीं दिखेगा क्योंकि वो 200 से नीचे बेचता ही नहीं है। ये है, हर एक प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में आएगा उसका एक यूनिक आईडी बनेगा, ये उसका आईडी है प्रोडक्ट का, कंट्री ऑफ ओरिजिन, दैट मींस ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कहाँ पे होता है, तो इंडिया में, मतलब इंडिया का प्रोडक्ट है, लोकल कंटेंट मेक इन इंडिया इसका 80% है, मतलब ये इसके में लगने वाले जो रॉ मटेरियल है उसका 80% का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है,
और 20% इसका रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होके आता है। तो ऐसे 80% मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, सोल्ड कौन कर रहा है, तो ये ओईएम कर रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। यदि रीसेलर बेचता, मतलब हम कोई प्रोडक्ट किसी से खरीद के बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सोल्ड बाय क्या आता, रीसेलर। ओईएम वेरीफाइड कैटलॉग, दैट मींस ये कैटलॉग को ओईएम ने खुद से, जो ये ब्रांड है जिनका, ये प्रोडक्ट जिनका है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसने इस कैटलॉग को खुद वेरीफाई किया है। अभी आते हैं यहाँ पे सेलर डिटेल्स। तो व्यू सेलर डिटेल्स में ये प्रोडक्ट हमें बता देता है, जैसे ये प्रोडक्ट 85 रुपीज में है और ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है। ये कहाँ बेच रहा है, ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, मतलब कहीं से भी ऑर्डर आए तो वो 85 रुपीज में देने को तैयार है। इसकी क्वांटिटी है 50,000, मतलब इसके पास जो स्टॉक्स है 200 इसका मिनिमम क्वांटिटी है और ओईएम बेच रहा है। यहाँ पे ये सब चीजें क्लियर हो गया। जो भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ओईएम जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उनकी रेटिंग 1.22 है और यहाँ पे देखो एक सिम्बॉल्ड है, दैट मीन इनका कुछ रेटिंग में प्रॉब्लम आया, इनके ऊपर इंसिडेंट जनरेट हुआ है और उनका लास्ट 1 ईयर्स में 3 बार उनके ऊपर कुछ वजह से इंसिडेंट, मतलब कंप्लेन हुए हैं, है ना। और बायर का फीडबैक वगैरह यहाँ पे बताया है सबका, कैसा उसका फीडबैक है, मतलब वो डिलीवरी का, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, 1.22 की रेटिंग है और इंसिडेंट की वजह से रेटिंग में 2.5 का इंपैक्ट का प्रॉब्लम आया। जो भी ये बेच रहा है उनका 3 साल का एवरेज टर्नओवर 22,233,349,5946 ये उनका टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर। इस प्रोडक्ट के बारे में इतना सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी ये प्रोडक्ट और भी कोई बेचता तो यहाँ पे उसके नीचे कौन किस रेट में बेच रहा है वो आपको यहाँ पे पता चलता है। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट लेते हैं जो रीसेलर बेच रहा है, तो आपसे और भी वहां पे क्लियर होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सब प्रोडक्ट ओईएम बेच रहा है, जो खुद मैन्युफैक्चरर करता है वही बेच रहा है। यहाँ पे आपको रीसेलर बोल के मिलेगा, मतलब हम किसी से खरीद के जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको हम लोग रीसेलर बोलते हैं। देखो ये प्रोडक्ट रीसेलर बेच रहा है ना, तो हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं, ओपन करते हैं। अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे व्यू सेलर डिटेल्स, तो देखो इस प्रोडक्ट को कौन बेच रहा है। अब ये प्रोडक्ट में रेट किसका है, 22 रुपया 50 पैसा। मैंने अमेज़न का कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था, जो सबसे कम रेट में बेचेगा उसका नाम, उसका रेट यहाँ दिखेगा सेम। तो यदि हम लोग सेलर डिटेल्स में जाते हैं तो देखो ये प्रोडक्ट कोई 31 रुपीज में भी बेच रहा है, पर वो अपना अपना स्टेट दिया है, इसी स्टेट का बायर उससे खरीद पाएगा, यहाँ पे जो जो स्टेट डाले हुए हैं। उसके पास जितना स्टॉक है वो दिखेगा, 300 का स्टार्ट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगा। सेम, अब ये दूसरा रीसेलर है, ये एक सेलर रीसेलर था, रीसेलर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, यहाँ पे दूसरा रीसेलर है और उसका रेट है 22 रुपया 50 पैसा, मतलब इसका ही रेट अभी उधर डिस्प्ले हो रहा है। बट इसमें है कि ये खाली वेस्ट बंगाल में बेच रहा है, ये सिर्फ ओनली वेस्ट बंगाल में बेच रहा है, दूसरी जगह पे वो नहीं बेच रहा है। और इसके पास स्टॉक 300 है, मिनिमम क्वांटिटी 100 है। ये देखो ऑल ओवर इंडिया ये भी बेच रहा है और ये 30 रुपए में बेच रहा है, आपको ऐसा दिख जाएगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र में बेच रहा है और इसका रेट है 29 रुपीज। इस तरीके से आपको हर एक स्टॉक वगैरह डिटेल्स पता चल जाएगा, पर रेट किसका दिखेगा वहां पे, जो सबसे कम रेट में दिखेगा। अभी आपको यदि ऑर्डर मिलना है, बताओ, तो मान लीजिए मेरा कोई बायर है, एग्जाम्पल मेरा बायर है और वो बायर है पुणे का, दैट मीन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है और उसको कितना क्वांटिटी चाहिए, उसको चाहिए 500 क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, अभी एक बायर है पुणे का, ओके, और उसको चाहिए 500 क्वांटिटी चाहिए। और तो यहाँ पे उसके लिए बेस्ट प्राइस, यदि वो बायर अपना लॉगिन करता है और ये प्रोडक्ट देखता है तो उसको क्या रेट दिखेगा, बताओ, सबसे लो वाला, कौन सा सबसे लो, मतलब 22 रुपया 50 पैसे, 22 रुपया 50 पैसा दिखेगा। ये जो बंदा है, ये जो 22.5 है, ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में बेचता है, महाराष्ट्र में तो बेचता ही नहीं है, तो इसका रेट कैसे डिस्प्ले होगा। आप यदि अपना प्रोडक्ट, आप बोलते हो मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ
एज एग्जाम्पल आप अपना प्रोडक्ट अपने ही लोगों को दोगे, पुणे में आपका बिजनेस है पुणे में, तो आप बोल रहे हैं कि मैं पुणे का ही, पुणे के लोगों को ही दूंगा, बाहर के लोगों को बेचने वाला मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। कोई आपसे दिल्ली से कॉल आता है तो क्या दिल्ली में आप बेचने वाले ही नहीं हो, तो दिल्ली को आपका रेट क्यों दिखेगा, आपसे मतलब ही नहीं है ना उनको। तो ये एक क्वेरी है, 29 वाला सर, एक पहले क्लियर कर लेते, हाँ 29 वाला, हाँ 29 वाला दिखेगा, बराबर है। और इसके पास उतना प्रोडक्ट स्टॉक में भी है, हमारे चाहिए बायर को कितना 500, तो ये मिनिमम क्वांटिटी 500 से ज्यादा बेच रहा है, मतलब 60 है तो मिनिमम क्वांटिटी 500 से ज्यादा है, 500 से कम है, और स्टॉक भी इसके पास 500 से ज्यादा का स्टॉक है, तो किसको रेट, बायर को क्या रेट दिखेगा, 29 रुपीज का। बट यही सेम चीज यदि ये दूसरा स्टेट हो गया, मान लो कोई एमपी के लिए इंटरेस्टेड है, एमपी का बायर है और क्वांटिटी सेम है, तो क्या रेट दिखेगा, 30 रुपीज, बराबर है। पर यही यदि क्वांटिटी 1000 रहा तो रेट क्या दिखेगा, एमपी का ही बायर रहा और क्वांटिटी 1000 रहा तो 31.5। बट इसमें एक क्वेरी है सर। हाँ मैं सर क्वेरी लेता हूँ, सर एक मिनट, पहले ये चीज क्लियर होने दीजिए, मैं खुद लूंगा, नहीं तो आप हैंड रेज करके रख सकते हो। क्लियर है सबको, है ना, चलिए बोलिए अभी आपका क्या क्वेरी है। इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बायर कहाँ से बिलोंग करता है? मैं सिर्फ बायर के तरफ से बोल रहा हूँ, आपको नहीं मालूम पड़ेगा, आप अपना प्रोडक्ट आप जहाँ बेचना चाहते हैं वहां से बेचिए, आपको वहीं के बायर का ऑर्डर आएगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा। हाँ बट एज अभी सेलर तो मैंने एज ए सेलर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, बराबर है, और मैंने स्टेट डाल दिया है। बट हाँ. ये अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वेस्ट बंगाल डाला है, अगर कोई बायर आता है कैलकटा अपना मध्य प्रदेश से, उसको कैसे आपका रेट नहीं दिखेगा, आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो उसमें बायर में कैटेगरी रहता है क्या, कहां से? नहीं, बायर को नहीं, बायर ऑटोमेटिकली जेम उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली उनको फिल्टर करके सिर्फ उनको वही वाला प्रोडक्ट दिखाएगा जो उनके पास वो ऑफर कर रहा है। ऐसे भी हो सकता है ना कि कस्टमर मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में चाहिए उनको प्रोडक्ट? नहीं सर, तो आप अपना प्रोडक्ट वहां बेच ही नहीं रहे हो ना, आप जब अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आपको कहां बेचना है ये आप डिसाइड करेंगे। हाँ नहीं, एज ए बायर, फॉर बायर पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, यदि आप बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बेच रहे हैं तो बायर को प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उनका दिख जाएगा जहां पे लोग सेलर बेच रहे हैं। ओके, बट जेम को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मुझे महाराष्ट्र में चाहिए? आप एमपी में हो, ये उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट बेच कर रहे हो। हाँ. मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, मैं महाराष्ट्र में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता हूँ, मेरा जो वो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग होता है और दिल्ली में ही मेरा मैन वो प्रोडक्ट मेरा दिल्ली का ही अच्छा है, तो मैं दिल्ली में बेच सकता हूँ ना अपना प्रोडक्ट सिर्फ, तो मैं लिखूंगा जो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिल्ली में बेचता हूँ, तो सिर्फ दिल्ली के बायर को ही दिखेगा मेरा रेट। तो बट जेम कैटेगरी कैसे, जेम को कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आप लिस्टिंग कर रहे हो ना, यहाँ से उसको पता चल जाएगा ना। नहीं, यहाँ पे तो लिस्टिंग एज ए सेलर कर रहा हूँ सर, बट एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट तो मार्केट में है, मार्केट बायर के लिए भी वही है और सेलर के लिए भी वही है। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी 22.5 मुझे रेट दिख रहा है, मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से, ठीक है, आप बायर हो या सेलर हो? नहीं, मैं अभी बायर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, उसको कैसे हाँ, दिखेगा सर? ये जेम में उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग किया हुआ है। ओके, जो वेस्ट बंगाल दिख रहा है तो आपका रेट नहीं दिखाएगा वो, जब आप प्रोडक्ट वहाँ बेचते ही नहीं तो उसका रेट क्यों दिखाएगा। ओके, मुझे वो समझना पड़ेगा कि बायर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है लोकेशन बेस पे। नहीं नहीं, बायर को सर अभी सर कॉमनली बात है, आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ वेस्ट बंगाल में बेचते हो, एक एमपी का बायर ने आपको ये रेट में ऑर्डर दे दिया, तो आप दोगे क्या अपना प्रोडक्ट? नहीं, नहीं दूंगा। हाँ, तो जब आप दोगे ही नहीं तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करेगा कोई भी? नहीं वेस्ट करेगा, बट उसको यही रेट दिखेगा ना अगर 22.5 वाला? नहीं दिखेगा ना उसको, क्यों दिखेगा उसको? सर ये जेम में उस तरीके से मैनेज किया हुआ है, कोडिंग उस तरीके से किया हुआ है ताकि ना दिखे। फिर भी वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है सर। ठीक है, वो आप बायर में क्लियर करो फिर, मुझे अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखेगा, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। अभी क्यों नहीं दिखेगा उसका भी रीजन मैंने आपको समझाया। अमित सर बोलिए।
अगर मैं इसमें डिलीवरी लोकेशन ऑल ओवर इंडिया डाल देता हूँ फिर हाँ तो तो बाहर फिर को मेरा कहीं शो करेगा ना। शो करेगा, क्योंकि आप ऑल ओवर ओके इंडिया कहीं पर भी देने को तैयार हो। जी, तो ऑल इंडिया में करूंगा तो बाहर को मेरा रेट शो कर जाएगा। अगर हाँ मैं हर जगह पर्टिकुलर पे कोई कोई स्टेट का डालूंगा कोई तो भी मेरा बाहर रेट, आया तो आपका आपका रेट दिख ओके, आपका अगर रेट दिख पर्टिकुलर कोई स्टेट रहेगा तो उसको शो नहीं करेगा, अदरवाइज मैं ऑल इंडिया करूंगा मैं सबको शो करेगा। फिर शो करेगा बराबर, क्योंकि ओके 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 आप ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हो अपना ओके प्रोडक्ट। सर, इसमें कुरियर चार्जेस का कैसे रहता है? कुछ नहीं मैडम, तो सब कुछ इंक्लूड करके डालना है, आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं मिलेगा। सर, अगर मानो, अगर हमें जैसे मानो फर्नीचर में अलमारी है, अगर अलमारी दे रहे हैं हम, अगर मतलब दिल्ली से बेच रहे हैं हम, तो दिल्ली से ऑल तो ओवर इंडिया अगर जा रही है, दिल्ली का कुरियर चार्जेस अलग आप होगा? रेट उसके अकॉर्डिंगली डालो ना मैडम। मान लीजिए आपको दिल्ली से बेच रहे हो और आपको कन्याकुमारी का भी आपको लग रहा है कि ऑर्डर आना चाहिए, हाँ तो वहां हाँ का ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको लग रहा है कि 2,000 रुपया आएगा, तो आपने हाँ रेट में हर जगह के लिए 2,000 रुपया ऐड कर दीजिए। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया के ऑल लिए चाहे वो दिल्ली का दिल्ली में ऑर्डर आया तब तो भी आपको 2,000 मिलेगा, मतलब कुरियर जो भी है चार्जेस ऐड करके हमें डालना ऐड पड़ेगा करके रेट ही में ना? डालना है, सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफर प्राइस, दैट मींस इंक्लूडिंग ऑल, अच्छा, आपको बायर अलग से से कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर सेलर दे रहा है नहीं दे रहा? नहीं। बायर को तो ये भी नहीं पता चलेगा ये सेलर है कहाँ का, अच्छा बायर को आपका डिटेल्स, सेलर को, बायर को सेलर का कोई भी डिटेल्स पता नहीं चलेगा। अभी आपको पता चल रहा है कि ये सेलर कहाँ का है? नहीं। नहीं, नहीं, तो ऐसे ही बायर को भी ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा ना, ऑर्डर देने के बाद पता चलेगा, ऑर्डर से पहले नहीं। ओके सर। आरिफ सर बोलिए। हाँ हेलो सर हाँ जी, सर ये मैं GST इंक्लूड मतलब ऑफर प्राइस देना है सब कि कुछ नहीं? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग टेस्टिंग वगैरह यदि है तो टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूडिंग ओके सब ओके कुछ, आपको इसको छोड़ के आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जी सर, इंस्टॉलेशन रहा तो इंस्टॉलेशन इंक्लूड। ओके सर। पटेल सर। हाँ सर, अभी जैसे कि वो एक वो सर बोले थे अभी कि जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज हम लोग बेचते हैं, ठीक है, तो अभी ऑल इंडिया जिसने सेट किया है तो बंदा अगर जैसे कि मैं गुजरात से बोल रहा हूँ अभी, तो बराबर। हाँ गुजरात में मैंने 5 रुपये सेट किए, ठीक है, कोई भी आइटम के प्रोडक्ट के, ऑल इंडिया में वही आइटम 4 रुपए की मिल रही है, तो बराबर। अच्छा सर वो ऑर्डर किसको जाएगा अगर बायर सेल रुपया क्योंकि करेगा? आपका 5 रुपया वाला बायर को ऑर्डर ही नहीं दिखेगा। मैं क्या बोला, हाँ बायर कम को किसका रेट दिखेगा जो सबसे कम रेट में बेच रहा है? रेट है, लेकिन वो अगर बायर से गुजरात से ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क बायर नहीं को पड़ता, अपना ऑर्डर से मतलब है या सेलर के लोकेशन से मतलब है। ऑर्डर से सर आप वो तो। अमेजन से जब ऑर्डर करते हो तो आप ये देखते हो क्या वो सेलर कहाँ का है? नहीं नहीं सर वो नहीं नहीं। देखते। आप क्या देखते हो, रेट कौन कम दे रहा है मेरे लोकेशन पे? डिलीवरी आप भी ओके डिलीवरी करोगे बायर के लोकेशन पे, और यदि कोई जम्मू से है तो वो भी आपके लोकेशन पे डिलीवरी करेगा, ओके 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 सर। बराबर है ना? तो हाँ सर, रेट हाँ सर, हाँ बायर के लोकेशन पे जो सबसे कम रेट में देगा उनका रेट डिस्प्ले करेगा, लाइक अमेजन। आप अमेजन को ही हाँ समझ हाँ के हाँ सर, जाओ। नहीं सर, हाँ सर, वो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। सोनम, सोनम मैडम। हाँ सर, तो ये मुझे पूछना था, मानो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हाँ और बाद में हमें लग रहा है कि कुरियर चार्जेस ऐड करने के बाद भी हमें नहीं, दूध का पड़ता नहीं खा रहा? नहीं मैडम, आपके ऊपर इंसिडेंट रेज हो जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ओके, आप हम ऐसे प्रेस प्रोडक्ट रिलीज लिस्टिंग कर नहीं कर सकते सकते। हैं? नहीं ठीक है सर। सर, सर 1 मिनट, जब एक क्वेरी चल रहा है तो बीच में नहीं बोलना है, बोलना है आप हैंड रेज करने के लिए, ऑप्शन सब आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है मैडम? यस सर। यस। अमित सर। रेट हम रिवाइज कर सकते हैं ना इसमें? हाँ रेट रिवाइज कर सकते हैं, रेट रिवाइज हो सकता है ना? हाँ ओके रेट रिवाइज हो सकता है। राजेश सर। कि जैसे इसने ये डाला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में 31 रुपये 50 पैसे डाला हुआ है, ठीक हाँ है, और दूसरा इन्हें सेम क्वांटिटी में स्टेट ऑफ कर्नाटका मध्य प्रदेश सभी में डाला हुआ है, तो दो जगह जाओ। डालने हाँ की जरूरत थी इनको हाँ पे नहीं जैसे ये डाला नहीं हुआ ये है? अलग है, ये अलग, कोई हाँ अलग बेच रहा है। मान लो ये हाँ पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, सब अलग है, ये है बी, ये पर्सन है सी, ये सब पर्सन अलग अलग है, एक आदमी नहीं बेच रहा है, हमने तो एक अलग। पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट ओपन किया ना सर अपन ने, ये वाला। हाँ एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग लोग बेच रहे हैं अपने अपने प्राइस में, अपने अपने लोकेशन में। अच्छा, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ओपन हो गई है, राइट? हाँ सारी डिटेल्स अपने होंगे, कौन ओके कौन बेच रहा है ये प्रोडक्ट। ओके संजीत सर।
सर जैसे कि पुणे में हम 5 रुपया में सामान दे रहे हैं बराबर, लेकिन 6-7 वाला कैसे पता चलेगा हमको कि 6-7 वाला भी है पुणे में देने वाला, तब ना L1 L2 होगा सर। सर L1 L2 की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, आपको यहीं से पता चलेगा। सिर्फ हम लोग एक प्रोडक्ट के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, हम पूरे कैटेगरी के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को कौन क्या क्या रेट में दे रहा है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, व्यू सेलर डिटेल्स, जो कौन किस लोकेशन पे क्या रेट में दे रहा है। L1 L2 तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ हम लोग एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कैटलॉग बनाना आपने को, जब तक कैटलॉग ही नहीं सीखेंगे तब तक L1 L2 कैसे पता चलेगा। ओके ओके, हम लोग सिर्फ कैटलॉग के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में। राहुल सर, सर मैं कह रहा था एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस लेस कर दी 100 रुपीज में से, अभी कर दी 90 रुपीज, अब वो वापस बढ़ा सकता हूँ? हाँ बढ़ा सकते हैं, एक महीने के अंदर। डिपेंड, एक महीने के अंदर ये सर, ये डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ वहाँ पे आपको आएगा जो आप इसको बढ़ा सकते हो या नहीं। ओके सर, थैंक। क्लियर है फिर ये डाउट्स? देखो हमने आपको रेट पर भी बताया, अभी सेम प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट, यही वाला प्रोडक्ट जैसे कि बाकी 4 लोग बेच रहे थे, सेम प्रोडक्ट मुझे भी बेचना है, यही वाला प्रोडक्ट मुझे भी बेचना है तो मैं भी बेच सकता हूँ, बराबर है? बेच सकता हूँ क्या? नहीं, मैं बेच सकता हूँ, मेरे पास भी यही वाला सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट है तो मैं भी बेचना चाहता हूँ तो मैं भी बेच सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में बताओ, यदि कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक, ये मॉडल वही मॉडल वही है, प्रोडक्ट वही है, ब्रांड वही है, तो इस प्रोडक्ट का हम, इस प्रोडक्ट जब हम सेम प्रोडक्ट मैं भी बेचूंगा तो इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? क्या मैं इसका पिक्चर बदल सकता हूं? नहीं, नहीं। क्यों क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये पेयर में ऑलरेडी लिस्टेड है। बराबर है, क्योंकि यदि ये प्रोडक्ट यही मॉडल नंबर का यदि ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर का पिक्चर क्या अलग हो जाएगा? सेम होगा। आपके पास एक मोबाइल है iPhone 11 या iPhone 11 आपके पास मोबाइल है, तो वो यदि ऑलरेडी वहां पे डाला हुआ है तो iPhone 11 का किसी ने वो प्रोडक्ट डाल दिया है तो उसका इमेज जो है, हम भी यदि वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारे लिए इमेज वही रहेगा, हमारे लिए तो वो इमेज बदल तो नहीं जाएगा ना, हमारे लिए कंपनी अलग से सेम मॉडल का अलग से फोटो तो नहीं निकालेगी, देखने का लुक तो अलग नहीं होगा, बराबर है? Yes. क्या उसका स्पेसिफिकेशन बदल पाएंगे? नहीं, नहीं बदल पाएंगे। यदि वो मान लो 56 GB रैम के साथ आता है, 56 MB का, तो उसी रैम के साथ आएगा, 8 GB, यदि उसका 128 GB SSD है तो 120 GB SSD के साथ ही आपको मिलेगा, हमारे लिए कंपनी 220 GB का SSD नहीं बनाएगा। तो सेम ब्रांड के लिए जो उसका स्पेसिफिकेशन डाला हुआ है सेम स्पेसिफिकेशन रहेगा, हम उसको भी नहीं बदल सकते। तो क्या हम बदल क्या सकते हैं पेयरिंग के टाइम पे, बताओ? MR वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी, ऑफर प्राइस बदल सकते हैं, है ना? क्योंकि कोई 22 रुपए में दे रहा है, मान लो आपको एक शॉप में 1 लाख में आईफोन मिल रहा है, दूसरे शॉप में आपको 95,000 में भी मिल सकता है, कोई शॉप में आपको 1,10,000 में भी मिल सकता है ना? तो सेम, इसलिए हम इसका ऑफर प्राइस अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और क्या बदल सकता है? क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम अवेलेबिलिटी स्टॉक और मिनिमम क्वांटिटी बदल सकता है। क्लियर है? यस सर। तो ये चीज, और एक चीज बदलेंगे हम लोग जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपको यदि कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको एक चीज क्लियर रखो, उसके लिए ऑथराइजेशन लगता ही, यदि आप इस ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इस ब्रांड से आपको ऑथराइजेशन है, एज ए लीगल, लीगल बता रहा हूँ, यदि हम लीगल के रूप में जाते हैं तो इस ब्रांड से मुझे ऑथराइजेशन लेना जरूरी है, नहीं तो हम इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। यदि हम फिर भी बेच रहे हैं तो हम इनलीगल वर्क कर रहे हैं, लीगल नहीं कर रहे। तो इस कंपनी ने अभी जिसको ऑथराइजेशन दिया है OEM ने, वो हो सकता है उसको ऑथराइजेशन नंबर अलग हो, मुझे ऑथराइजेशन नंबर अलग हो, सबको तो सेम मिलेगा नहीं, अलग अलग मिलेगा, है ना? तो ऑथराइजेशन नंबर अलग होगा।
ये सब चीजें बदल जाएगी। बट मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहाँ पे आप ऑथराइजेशन नंबर तो देखो मैंडेटरी है, पर आप चाहो तो बिना ऑथराइजेशन का भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन मैंडेटरी है और कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन मैंडेटरी नहीं है, ये समझो। जिसमें रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओएम और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओएम, ये लिखा हुआ रहेगा, रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओएम और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओएम, ऐसा लिखा रहेगा, उस प्रोडक्ट को आप विदाउट ऑथराइजेशन प्रोडक्ट बेच सकते हो। क्लियर है? यदि कोई प्रोडक्ट में, जैसे ये एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट ले रहा हूं, इसमें क्या लिखा है ओएम वेरीफाइड कैटलॉग, तो ऐसे कंडीशन में हम यदि इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इस ओएम से मुझे परमिशन लेना जरूरी है, जो इस कंपनी ये ब्रांड जो है इससे मुझे परमिशन के सिवा हम इनका प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जेम पे। हम उस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन जहां पे रीसेलर नॉट वेरीफाइड और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओएम रहेगा। अमित सर बोलिए। सर जैसे मैं किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा हूँ इन द झारखंड, मेरे पास उस कंपनी ऑथराइज नहीं किया वो माल मैं बंगाल में बेच सकता हूँ। हाँ। मेरे पास उसका कैटलॉग आईडी वगैरह प्रोडक्ट आईडी है सब कुछ है, लेकिन उसका ऑथराइजेशन मेरे पास सिर्फ झारखंड का दिया, तो मैं उसको बंगाल में नहीं बेच सकूंगा क्या? एज ए लीगल तो नहीं बेच सकते, पर ये जैसे आप बेचेंगे वैसे ही आपको वो ऑथराइज करने के लिए ओएम के पास चला जाएगा, यदि ओएम ने उसको अप्रूवल कर दिया तो आप बेच पाएंगे। ओके। अच्छा अगर मैं इसका अगर मान लीजिए अगर जैसे स्टेलियन है सपोज मैं इसमें अगर स्पेलिंग का एक अगर करेक्शन करके अगर एडिट करके मैं इसमें अपना प्रोडक्ट अपलोड करके बेच सकता हूँ? नहीं बेच पाएंगे ना। ओके। कैसे भी कंडीशन में जैसे आप नया भी प्रोडक्ट डालेंगे तो भी, अब ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसमें नॉट वेरीफाइड है, आप इस ब्रांड का यदि कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो नया लिस्टिंग करेंगे कुछ भी करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे लिस्टिंग करने के लिए जाएगा इस कंपनी के पास चला जाएगा और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा जो ये प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो सच में आपका, आपने उसने ऑथराइजेशन लिया हुआ है कि नहीं। यदि वो वेरीफाई करता है तो ही आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा जेम पे, यदि नहीं करता है तो आपका प्रोडक्ट जेम पे लिस्टिंग नहीं होगा। ओके। जहां पे ओएम वेरीफाइड कैटलॉग लिखा रहेगा वो वाला प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट्स है तो बताओ। हाँ बोलिए। ओके चलो, तो हम लोग समझ में आ गया अपने को पेयरिंग होता क्या है। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट प्रोसेस में हम लोग पेयर मतलब बता देते हैं। पेयर मतलब मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट है और सेम वही वाला प्रोडक्ट यदि मैं अपने में भी बेचना चाहता हूँ, मेरे प्रोफाइल में भी मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो हम उस प्रोसेस को पेयर बोलेंगे। क्लियर? चल पेयर करते कैसे हैं अभी वो देखते हैं। अभी इस प्रोडक्ट को मैं पेयर करना चाहता हूं, तो ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद इसको करो सेल दिस आइटम। आपको थोड़ा वेट करना है, यहां पे वेट करना। देखो ये जेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद जेम कैटलॉग आईडी बोल रहा है, ये कैटलॉग है ऑलरेडी अवेलेबल। डू यू वांट टू पेयर विद इट, आप पेयर करना चाहते हो? हाँ, तो उसको करो ओके। देखो जैसे ओके करेंगे वैसे ही आपका सब कुछ फिल हो जाएगा, जनरल इंफॉर्मेशन कैटलॉग इंफॉर्मेशन ये फिल हुआ है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और इमेजेस, आप ये सब चीजें बदल नहीं सकते। तो बदल क्या सकते हो? सिर्फ ऑफर क्वांटिटी एंड प्राइस, ये वाला पार्ट बदल सकते हो जो थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर का बॉक्स ऑटोमेटिकली खुला हुआ है। आप इस प्रोडक्ट के लिए रीसेलर हो, ओएम हो नहीं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट रीसेलर आ रहा है। अभी इसमें ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है, हर एक में ऑथराइजेशन नंबर मांगेगा, बट मेरे लिए ऑथराइजेशन नंबर मैंने बोला था कि इस प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अपने अकॉर्डिंगली आप भी ऑथराइजेशन नंबर डाल दो। ऑथराइजेशन एजेंसी कौन है? तो यदि आपको किसी ने इस प्रोडक्ट का ऑथराइजेशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो एन ए कर दो। डेट आज का कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली फिर डेट डाल दीजिए। यदि ऑथराइजेशन है इस कंपनी का तो फिर प्रॉपर डालो, नहीं है तो फिर अपने अकॉर्डिंगली डाल दीजिए। क्लियर है? हाँ, किसका था? अनुराज सर बोलिए, आपका क्या क्वेरी है?
सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला किस कहां से आपने शुरू किया है इसको। ठीक है, मैं बाद में अभी हम लोग और प्रोडक्ट देखेंगे ही, तभी मैं आपको बता दूंगा। हाँ पटेल सर बोलिए। सर ये डेट ऑथराइजेशन वैलिड डेट कौन सी डालनी होती है सर? ऑथराइजेशन जब आपको कोई कंपनी ऑथराइजेशन देती है तो वहां पे कब से कब तक वैलिडिटी है वो लिखा रहता है, तो वो डेट डालो प्रॉपर। और यदि आपको ऐसे डालना है तो आप जो भी गलत ही डाल रहे हैं तो कुछ भी डालिए, है ना। ओके, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, यदि इंडिया का है मैन्युफैक्चरर तो इंडिया, नहीं तो अदर्स है। तो इसमें मेक इन इंडिया का कितना परसेंट, तो यस कर दो, तो पहले जिसने ये प्रोडक्ट डाला था तो ऑटोमेटिकली उसने जो भी परसेंटेज डाला था वो ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो। यूनिक कोड देखो लिखा है, यूनिक कोड गिवन बाय सेलर हेल्प द आइडेंटिटी प्रोडक्ट एंड मैनेज इन्वेंटरी। यदि कोई किसी को ये प्रोडक्ट को समझने के लिए ऐसा कोई कोड वगैरह है आपके पास जिससे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाए तो वो कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास है तो डालो। हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं स्किप कर देता हूं, मेरे पास नहीं है। इसका MRP 35 है जो मैं बदल नहीं सकता क्योंकि इसका MRP ऑलरेडी 35 जिसने प्रोडक्ट डाला था वो डाला हुआ है। हाँ मैं इसकी ऑफर प्राइस जरूर बदल सकता हूँ। अभी मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाना है तो मुझे इसको 22 रुपया, बेस्ट प्राइस क्या है 22 रुपया 50 पैसा, तो हम इस प्रोडक्ट का प्राइस डाल देंगे 22.49। याद रखो यदि मैं ये प्राइस डाल रहा हूँ तो ये रेट में मुझे प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा यदि ऑर्डर मुझे मिला तो। यहाँ पे है डिस्काउंट स्लैब, है ना, तो आप डिस्काउंट स्लैब डाल सकते हो। यदि आपको लग रहा है जो कोई आप प्रोडक्ट आपसे 1000 क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर किया तो आप इसको और अभी 35% डिस्काउंट दे रहे हो, आप 50% डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे कि आप दे सकते हो 1000 क्वांटिटी से लेके किसी ने मेरे से 5000 क्वांटिटी परचेज किया, 1000 से 5000 के बीच कोई भी क्वांटिटी परचेज किया, मैं इसको डिस्काउंट मान लो 40% का दे दूंगा, तुमको 40% के हिसाब से 13 रुपया 50 पैसा रेट दिखना, चलो ये सॉरी ये इसके ऊपर डिस्काउंट लेगा, मान लो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट ले लेगा, मतलब 22 रुपया के अकॉर्डिंगली 10% आपका डिस्काउंट लेके 22 रुपया 24 पैसा हो जाएगा। तभी किसने यदि आपका कोई बायर ने 900 क्वांटिटी डाला आपके प्रोडक्ट के लिए तो उनको रेट क्या दिखेगा 22 रुपया 49 पैसा, पर किसी ने 1000 क्वांटिटी डाल दिया उनको 1000 क्वांटिटी एक साथ लेना है तो उनको 22 रुपया 50 पैसा अभी रेट नहीं दिखेगा, 20 रुपया 24 पैसा दिखेगा। तो आप ये डिस्काउंट स्लैब चाहे तो ऐड कर सकते हो और इसको 3 स्लैब में ऐड भी कर सकते हो, 3 अलग अलग स्लैब में चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हो। कहां बेचना चाहते हो अभी पूछ रहा है ये, आप जहां बेचना चाहते हो कर सकते हो। मैं महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ या पूरा, मैं मान लीजिए गुजरात में बेच सकता हूँ तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी बेचना चाहता हूँ पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, मैं सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट में बेचना चाहता हूँ तो पुणे डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं प्रोडक्ट कहाँ बेच रहा हूँ, ऑल ओवर गुजरात, गुजरात के हर जगह और सिर्फ पुणे में। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ तो पूरा महाराष्ट्र भी टिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पुणे डालेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र में बेच रहे हो, पुणे तो उसके अंदर है, इसलिए आपको यहाँ पे नाम नहीं डिस्प्ले होगा। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप कोई भी एक जगह पे बेच सकते हो। सेम ये छोड़ के कोई अलग से पिन कोड में बेचना चाहते हो तो भी वो डाल सकते हो, नहीं तो आपको नहीं बेचना है, आपको सिर्फ स्टेट वाइज बेचना है तो अभी आप बेच सकते हो। तो मैंने अभी 2 जगह ले लिया, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो मुझे खाली 2 जगह का ही ऑर्डर मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया, इंडिया बेचना है तो नॉर्थ साउथ सेंट्रल हर जगह पे पूरा को टिक कर दो तो ऑटोमेटिकली पूरा टिक हो जाएगा। जैसे मुझे वेस्ट में पूरा बेचना है तो वेस्ट को टिक कर दो, हर एक वेस्ट का पूरा टिक हो गया। ओके, अभी आपको पूछ रहा है आपके पास स्टॉक कितना है या 15 दिन के अंदर आप कितना डिलीवरी कर दोगे। 15 दिन के अंदर यदि आपको ऑर्डर मिला तो 15 दिन के अंदर कितना क्वांटिटी आप दे दोगे, या तो स्टॉक बताओ आपके पास स्टॉक अभी कितना है, या तो 15 दिन के अंदर कितना क्वांटिटी आप अरेंज कर सकते हैं। तो मान लो मैं 10,000 तक क्वांटिटी अरेंज कर सकता हूँ, मैं डाल दिया 10,000 क्वांटिटी मिनिमम,
कम से कम कितना क्वांटिटी का ऑर्डर आया था आप लोगे, तो मैं कम से कम 1000 क्वांटिटी से नीचे ऑर्डर नहीं लूंगा, तो कम से कम मैंने डाल दिया 1000। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज, देखो यहाँ पे प्लीज एंटर नंबर ऑफ डेज यू विल टेक द गेट अबव मेंशन क्वांटिटी रेडी फॉर डिस्पैच, कम से कम कितना टाइम लगेगा आपको ये प्रोडक्ट को डिलीवरी, यदि ऑर्डर मिला आपको कहीं से भी तो आपको ये ऑर्डर को कम से कम कितना टाइम लगेगा इसको डिलीवरी करने को, तो इसीलिए हम कभी भी इसमें मैक्सिमम टाइम लेते हैं, 1 से 15 के बीच रेंज डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे 15, हम उससे पहले डिलीवरी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। चलो हम इसको करते हैं 7 प्रोसीड। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, ओ ये जेम का प्रॉब्लम है, इसको कैप्चा और डाल देंगे, ये एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, आर क्यू के डी एग्रीड पब्लिश, क्या बोल रहा है, ग्रेट योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड विल बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा 4 to 6 hours के अंदर ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, मार्केट में दिखना चालू हो जाएगा, कहां पे पता चलेगा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाओ, देखो मेरा ये प्रोडक्ट पब्लिश में दिखना चालू हो जाएगा, शायद यही वाला है इंस्टॉलेशन गार्डन, पब्लिश हो चुका पर बायर को 6 घंटे के बाद बायर को दिखना चालू होगा। अब ये प्रोडक्ट खोल के देखो, देखो मेरा रेट अपडेट हो गया, जो 22.50 रुपया में दे रहा था उनका यहाँ से रेट गायब हो गया, यदि आप देखना चाहते हो तो सबका रेट फिर से यहाँ दिखेगा, देखो 22.50 रुपये वाले का भी रेट है, 31 का भी, और मेरा भी रेट अभी यहाँ पे दिखना आपको चालू हो जाएगा, 22.49, कहाँ पे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, कितना क्वांटिटी, तो 119.997 मैंने स्टॉक डाल दिया था क्या, मिनिमम 997 से डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे 997। पटेल सर बोलिए। सर ये आपने जो बोला स्टेट वाला के स्टेट हम सिलेक्ट करते, ठीक है ना, हाँ, तो पर्टिकुलर स्टेट में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनमें हम सेल कर सकते हैं उसको, हाँ कर सकते हैं, तो स्टेट मत चूज करो, वहाँ पे नीचे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, एक ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर जी, हाँ बोलिए जोशी सर, ये जो पेयर के आपने ये समझ में आया, लेकिन आपके लॉगिन कैसे आएगा, अपना प्रोडक्ट कौन से कैसे डिस्ट्रिक्ट करते हैं सर, सेल मैं नहीं समझा, मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट तुमने लिया पेयर करके, हाँ बराबर, पेयर का पूरा समझ में आया, हाँ लेकिन वो प्रोडक्ट आपने किया, अपुन ने फॉर एग्जांपल जोशी ने, हाँ वो कैसे कैसे दिखाने का, वो मेरा प्रोडक्ट बोल किसको दिखाने का, राजेश सर कहाँ पर दिखेगा ये, क्योंकि हमने ऐड किया है, कहाँ से हमें दिखेगा ये, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिखेगा आपके प्रोफाइल में, कैटलॉग में, प्रोडक्ट में, सर्च माय ऑफरिंग, कैटलॉग प्रोडक्ट सर्च माय ऑफरिंग, यहाँ पे आपको पब्लिश्ड में दिखेगा। देखो यहाँ पे पब्लिश्ड में दिखेगा, यहाँ पे है ना, क्लियर है। चलो और एक प्रोडक्ट हम लोग पेयर करते हैं मार्केट से, सेम ले लेता हूँ प्रोडक्ट, तो अपने को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस कैटेगरी को अभी समझ लिया है, तो दूसरा कैटेगरी और नहीं लेते हैं, इसी कैटेगरी को ले लेते हैं, हम लोगों को कहाँ मिलेगा फिर से मार्केट। सर आप फर्नीचर का एक डाल के दिखा दो। हाँ बोलिए ना मैडम, फर्नीचर क्या ले लो, अलमीरा ले लो,
अलमीरा स्टील लेगा, ओडन ठीक है स्टील है ना, कोई भी प्रोडक्ट अभी मान लो ये बेच रहा है एसबी कलेक्शन बोल के ब्रांड है, मुझे इस प्रोडक्ट को सेम यही ब्रांड का यही वाला प्रोडक्ट मुझे पेयर करना है, तो ये Q3 का ही प्रोडक्ट है, यहाँ से क्लियर हो गया। और हम इसको पर ये क्या है OEM वेरीफाइड कैटलॉग, तो देखो पहले हम लोगों ने दोनों नॉट वेरीफाइड वाला देखा था, अभी हम लोग OEM वेरीफाइड कैटलॉग वाला देखते हैं, इसको पेयर किया तो क्या होता है, तो हम इसको सेल दिस आइटम पे क्लिक करते हैं। ओके है अभी इसको पेयर करेंगे। सेम प्रोसेस पेयर करने का रहेगा तो है ना, कंट्री ऑफ ऑरिजिन देखो अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर वाला पार्ट निकल गया पूरा, अरे ये नया आ गया, इसका ये प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, इसमें एमआरपी का रेट बदल चुका है या फिर चेंज हो गया, शायद जेम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों प्रॉब्लम है तो कुछ शायद मुझे लग रहा है ये जेम का प्रॉब्लम, फिर से सेल दिस आइटम करो। क्या ऐसा नहीं आता, पूरा डिटेल्स तो भरना चाहिए, ऑथराइजेशन नंबर का पार्ट आना चाहिए। ओके हाँ अभी आया देखो प्रॉब्लम, अभी ऑथराइजेशन नंबर उस कंपनी से यदि आपने ऑथराइजेशन नंबर लिया है तो ऑथराइजेशन नंबर डालो प्रॉपर, एजेंसी एसबी किसका है, आपने किससे ऑथराइजेशन लिया है आप उसका नाम डालेंगे, या फिर आपने डायरेक्ट कंपनी से लिया है तो एसबी कलेक्शन से इनसे इसका नाम डाल देंगे, डेट कब से आपको ऑथराइजेशन नंबर मिला है तो डेट डाल दो, एक तारीख एक कब तक, कोई भी डेट हम डाल दिया अभी पहले ऐसा, एसक्यू जरूरत नहीं है, एमआरपी ऑफर प्राइस आप कितना डालना चाहते हैं, तो मैं ऑफर प्राइस 40,000 डालूंगा, नहीं ले रहा है क्योंकि मैं 6.98 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मुझे ये रेड आ चुका, मुझे कम से कम 10% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, मैंने जैसे बताया था 35 डाल कर अभी ले लिया 18% डिस्काउंट, कहाँ बेचना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया डाल दो, ठीक है। जैसे कोई बोल रहा था मुझे पूरे महाराष्ट्र में नहीं बेचना है, ऑल ओवर इंडिया बेचना है, सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ के, फिर महाराष्ट्र का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बेचना है, मुझे पुणे में बेचना है, पुणे लिखना चाहिए अभी, सिर्फ महाराष्ट्र का ही डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, दूसरा कहीं का नहीं लिखेगा, जेम को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं दिखा, जो विंडो आएगा उसको क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट एंड ये कैप्चर, अभी देखो यहाँ पे बदल गया, ग्रेट योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड पेंडिंग फॉर द पेंडिंग विद द OEM अप्रूवल, अभी ये OEM को अप्रूवल के लिए पेंडिंग हो गया, अभी ये प्रोडक्ट डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं हुआ, नहीं बोल रहा है कि लिस्टिंग हुआ, देखो अभी ये प्रोडक्ट आपको पब्लिश्ड में नहीं दिखाएगा, ये कहां दिखाएगा तो वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है वेटिंग फॉर OEM अप्रूवल, मतलब ये प्रोडक्ट किसको चला गया, इस कंपनी को चला गया, अभी ये कंपनी वाले इसको अप्रूव ये प्रोडक्ट देखेंगे और वो यदि अप्रूव कर देंगे तो ही वो पब्लिश में आएगा, नहीं तो ये प्रोडक्ट पब्लिश में नहीं आएगा, आप ये प्रोडक्ट को मैंने बोला था इनके परमिशन के बगैर आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि इसमें OEM वेरीफाइड कैटलॉग है, जिसमें OEM वेरीफाइड रहेगा उसमें
उस ब्रांड का परमिशन, जो ओएम रहेगा उनका परमिशन आपको मैंडेटरी। क्लियर है? बोलिए। हाँ राजेश सर बोलिए, क्या डाउट है आपका? नहीं यही पूछ रहा था, जैसे आपने बोला था ओएम वेरीफाइड था ये, तब भी आप सेल कर रहे थे, बाद में आपने बता दिया कि ये क्यों परमिशन के बाद जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। अमित सर, अगर मेरे पास ऑथराइजेशन नंबर है उसके बाद भी ये ओएम के पास क्लीयरेंस के लिए वेट करेगा क्या? क्या बोले? अगर मेरे पास ऑथराइजेशन नंबर है हाँ, तो भी ओएम उसको चेक करेगा जो हाँ ये प्रॉपर है क्या, यदि है प्रॉपर तो फिर आपको अप्रूवल दे देगा, यदि नहीं उसने दिया ही नहीं है गलत डाला है तो आपको वेटिंग फॉर क्लीयरेंस ही दिखाएगा, वेटिंग फॉर एडमिन प्रेस कर देगा, मतलब वो आपको रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट्स पेयरिंग को लेके? हाँ मेरा एक क्वेरी है। हाँ इसमें ओईएम जो है ना 19,545 में बेच रहा है, और एज अ रीसेलर हम उसको ओईएम वेरीफाइड कैटलॉग है और उसको हम 19,000 में बेच रहे हैं, 500 रुपए कम बेच रहे हैं, 19,500 उसका ओईएम ऑफर प्राइस है। ओईएम का ऑथर ओईएम का है मतलब ऑफर ओईएम का, हाँ OEM का ऑफर प्राइस है 19,545। हाँ हमने सेल दिस आइटम किया 19,000 रुपीस में। हाँ तो क्या OEM अलाउ करेगा उसको बेचने के लिए? हाँ कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकेगा अगर उसका, ये तो आपका और OEM के बीच की बात है। ओके हाँ OEM अगर वो ऑफर किया रहेगा तो बेच सकता है। हाँ नहीं अगर अगर वो OEM जो मैंने OEM जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर मुझे जानता ही नहीं है तो फिर भी मुझे मैं बेच सकता हूँ क्या? सर मैंने वो बताया आपको। हाँ। आप कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हो, यदि OEM वेरीफाइड कैटलॉग रहेगा तो ये अप्रूवल के लिए OEM के पास जाएगा। ओके OEM आपका प्रोडक्ट देखेगा, यदि उसको अप्रूवल करना है अप्रूव कर दिया तो आप प्रोडक्ट बेच पाएंगे, उसने अप्रूव नहीं किया तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। और जिसमें दोनों नॉट वेरीफाइड रहेगा उसमें आपकी चलेगी, उसमें OEM के पास जाता नहीं। ओके ठीक है बोलिए। और किसी को कुछ डाउट्स है? तो ये हमारा पूरा पेयरिंग का